साध्वी श्री जी प्रांजल प्रभा जी एवं साध्वी वृद्ध की पावन प्रेरणा से बोरावर कस्बे के बोथरा परिवार से श्रीमती निर्मला देवी बोथरा, पुत्रवधु स्वर्गीय श्री गणपत लाल जी बोथरा, धर्मपत्नी श्री चैनराज जी बोथरा ने 12 दिन की तपस्या साध्वी श्री जी के सानिध्य में लेकर पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में आए। कार्यक्रम में साध्वी प्रांजल प्रभा जी ने अपने उपदेश में कहा कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से बड़ा काम किया जा सकता है। साध्वी श्री जी ने एक उदाहरण के माध्यम से श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के बारे में बताया कि राम नाम लिखकर पत्थर को समुद्र में डाल दिया, लेकिन वो पत्थर डूबा नहीं, क्योंकि अपने भगवान के प्रति भक्त की सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का समावेश था। तपस्वीन बहन का तप अनुमोदन में श्रावक एवं श्राविका ने भाग लिया। अनुमोदन में मकराना के पूर्व विधायक डॉ भंवरलाल राजपुरोहित ने कहा कि आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञा जी एवं वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी तक अपने जीवन में गुरु की अमित छाप रही है। श्रीमती भारती कोटेचा, सुमन लुनिया, हर्षा चौड़िया ने महिला मंडल की तरफ से गीतिका प्रस्तुत की। बबीता, रितिका बोथरा ने अपनी चाची सास की तप अनुमोदन अपनी गीतिका के माध्यम से पेश की। श्रीमती विजया देवी बाफना ने अपने भावों को गीतिका के माध्यम से स्वर लहरी दी। तेरापंथ युवक परिषद के पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र सिंह बोथरा ने तपस्या का गुणानुवाद किया। तेरापंथ महिला मंडल अध्यक्षा शशि जी कोटेचा, तेरापंथ युवक परिषद अध्यक्ष विकास चौरगिया व तेरापंथी सभा ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। तीनों संस्था ने तपस्वीन बहन को साहित्य भेंट कर बहुमान किया। अंत में सभा के मंत्री श्री रायचंद बोथरा ने सभा की तरफ से व बोथरा परिवार की ओर से सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन तेरापंथी सभा के मंत्री रायचंद बोथरा ने किया।